तो कहीं प्रिंसिपल तो कहीं दरोगा इंस्पेक्टर सबका हाल यही है, क्योंकि अगली खबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो दरअसल बदायूं बिसौली में युवती के व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज भेजने वाले रोमियो इंस्पेक्टर की है। जी हाँ, ये रोमियो इंस्पेक्टर एसपी उपाध्याय पर भले ही मुकदमा दर्ज हो गया हो, उसे सस्पेंड कर दिया गया हो, लेकिन आज भी आशिकी का भूत इन जनाब का नहीं उतरा है। रोमियो बना इंस्पेक्टर पीड़िता को तरह तरह से बदनाम कर परिवार को झूठे मुकदमे में फंसा कर जेल भेजने की धमकी दे रहा है। यही नहीं, उसने 2 लाख रुपए की पेशकश करते हुए मुकदमा वापस लेने का भी दबाव बनाया है। लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं, उन्होंने मानसिक रूप से एक तरीके का दबाव बना के रखा है मेरे ऊपर फैसले का। आप फैसला कर लीजिए, फैसला नहीं करेंगे तो मैं आपको बदनाम कर दूंगा, मीडिया के सामने बदनाम कर दूंगा, और वो वैसा कर भी रहे हैं। उन्होंने मेरे गाँव वालों को खरीद कर मेरे ही खिलाफ अश्लील बातें कराई हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे बदनाम करके रखा है, मेरे घर पर 2 लाख रुपये लेकर पहुँच गए कि फैसला कर लीजिए। किस चीज़ का फैसला? FIR वापस ले लीजिए अपनी। तो मैंने SSP से तत्काल बात करके इसको सुरक्षा मुहैया कराने के लिए बोला है, प्लस आज ही मैं उनका ट्रांसफ़र भी करता हूँ, और विवेचना को भी वहाँ से ट्रांसफ़र करके बरेली में किसी बढ़िया CO से हम करवाएंगे। और 164 का बयान अभी तक क्यों नहीं हुआ, ये CO साहब की लापरवाही है, क्योंकि महिलाओं के केसेस में माननीय हाईकोर्ट का ऑर्डर है और तमाम जजमेंट्स में ये बात भी आई कि जल्दी से जल्दी इसका विक्टिम का 164 के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड कर लेना चाहिए।